अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ की नेक्स्ट एपिसोड की, जिसमें हम आज बात करेंगे अबाउट कि क्या मेंटल हेल्थ जो है ऐसी है, या मेंटल इलनेस यानी कि जहनी बीमारी ऐसी है जिससे आप फुली तौर पर रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। सो इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल दी एंड, और तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि नहीं। तो आज जो दो मिथ्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो हैं, एक तो ये कि जो लोग मेंटली इल होते हैं, हमारा ये ख्याल होता है कि वो बहुत वायलेंट हैं, यानी कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है गलत बिहेव करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है मैं जिसमें बात कर रही हूँ रिकवरी के हवाले से, कि क्या अगर किसी को मेंटल इलनेस, किसी की जहनी बीमारी डायग्नोज हुई है तो उसके क्या चांसेस हैं रिकवरी के, ठीक है। तो पहली तो बात यह है कि वायलेंस की बात, उसमें यह है कि वायलेंट होना जो है एक ट्रेट किसी ह्यूमन बीइंग में, यानी कि तशद्दुद करना दूसरों के ऊपर, ये इसका मेंटल इलनेस से इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जहनी मरीज़ नहीं भी होते फिर भी वो दूसरों पर तशद्दुद करते हैं, फिज़िकल या फिर मेंटल तशद्दुद भी करते हैं, यानी कि इमोशनल अब्यूज़ करते हैं, बात से खेलते लोगों के, राइट। तो ये बात हमें पता है। तो इसके अलावा हमें लोगों को इस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए कि क्योंकि ये मेंटली इल है तो इसलिए हमें इससे डर लगता है, या इससे हमें ये कहीं वायलेंट ना हो जाए, ये कहीं तशद्दुद ना कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में देखा ये गया है कि जो मेंटली इल लोग होते हैं, या जो कि स्ट्रांग नहीं होते ज़्यादा मेंटली, वो तशद्दुद का निशाना बनते हैं, उनके ऊपर जुल्म होता है और उनके ऊपर जो है लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, और उस चीज़ को हम किसी तरह से, और वो ख़ुद क्योंकि अपना दिफा नहीं कर सकते, जिस वजह से वो उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हमें अपने दिमाग में थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, वायलेंस के हवाले से, कि आप देखें ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, या जिनकी जो कि ज़्यादा अपने आप को नहीं समझते कि वो अपना दिफा कर सकते हैं, या जिनको जो मेंटल इलनेस के लिए डायग्नोज हो चुके हैं, उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ नॉट फेयर कि आप उनसे वायलेंस एक्सपेक्ट करें और वो सिर्फ उनका एक रिएक्शन होता है अगर उनको सपोर्ट वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, जो कि एक आम इंसान जो कि मेंटली इल नहीं है या सफ़र नहीं कर रहा, वो भी ऐसे रिएक्ट कर सकता है। तो हमें ये दो चीज़ें कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो है मेंटल इलनेस से रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, कि हमें कभी भी ऐसी चीज़ों को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेट्स से कि अगर आप किसी ट्रॉमे में से गुजर रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव है और आपको स्ट्रेस है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपकी इमोशनल हेल्थ को, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके लिए थेरेपिस्ट के पास जाएं, हम उसकी जितनी जल्दी हम उस चीज़ में जो है इलाज की तरफ जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास चांसेस हैं मेंटल इलनेस को होने से प्रिवेंट करने के, प्रोएक्टिवली, यानी कि पहले से सोचें कि क्या हमने डील करना है। दूसरा ये कि अगर कोई डायग्नोसिस हो चुका है और अब बहुत मुश्किल है रिवर्स करना, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है जब हम इग्नोर करेंगे अपनी मेंटल इलनेस को या जहनी दबाव को बहुत अरसे के लिए, 8-10 साल के लिए, तो वो फिर एक इलनेस बन जाएगी और फिर उसको मैनेज ही किया जा सकता है, फिर उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थेरेपी की ज़रूरत है और हमारे पास हम उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ है, कोई ऐसा हादसा हो गया है, यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, जो कि एक आम सी बात है, किसी की डेथ हो गई है या डिवोर्स हो गई है, या कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसने आपको इमोशनली डैमेज किया है और आप उसमें से रिकवर नहीं कर पा रहे, आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें से नहीं निकलेंगे। फिर होगा ये कि जब आप बहुत सालों तक उसी डिप्रेशन में रहेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है, होप है, वो आपकी मरती चली जाएगी और फिर उससे बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बनिस्बत कि आप फौरन से जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीख करें, लाइक गो फॉर थेरेपी, गो डॉक्टर के पास जाएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं और सब चीज़ें, ताकि आप के जो है फिज़िकल और इमोशनल सिम्टम्स को देखते हुए उसके हिसाब से आपको जो है ट्रीटमेंट मिले। और थेरेपी जो होती है, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव अगर उसको किया जाए प्रॉपरली। अगर आप एक बहुत ही दुनिया भर के कोई बहुत बड़े शॉक में से गुजर रहे हैं, या आपको ज़िंदगी ने बहुत बड़ा दुख या शॉक दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी वीकली थेरेपी हो। वीकली थेरेपी होनी ज़रूरी है ताकि आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी और जो गुबार, जो भी सब कुछ जमा हुआ हुआ है, वो दैट नीड्स टू कम आउट, क्योंकि अगर वो आपके अंदर ही रहेगा, इट इज़ गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स, और वो चीज़ें आपको अभी नज़र नहीं आएंगी,
एनर्जी वो अगले 5-10 सालों में नजर आएंगी, बिकॉज इट्स अ स्लो पॉइजन, इट्स स्लोली पॉइजनिंग यू. तो उसका इफेक्ट मेंटल भी होगा और फिजिकल भी होगा. तो इसलिए वीकली थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आपका थेरेपिस्ट डिसाइड करेगा आपकी प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करते हुए कि अब आपको आगे कितनी थेरेपी चाहिए. सो अगर आप एक आप किसी जिस तरह मुझे बहुत से लोगों ने इस तरह की भी ईमेल्स की व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स. सो डिवोर्स को मैं समझती हूँ कि इट्स वर्स देन डेथ, क्योंकि जब डेथ होती है उससे अपने दिल को समझाना या जो भी है वो निस्बतन आसान होता है डिवोर्स के, बिकॉज वो डिवोर्स में जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी होती है और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है, जिसके साथ जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है सीरियसली लिया जाए और बवक्त जो है थेरेपिस्ट को देखा जाए, थेरेपिस्ट के पास जाया जाए. चाहे आप उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, जस्ट टू मैनेज इट यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट, ताकि जो है आप बेहतरीन तरीके से अपने आप का अपना ख्याल रख सकें, अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, बिकॉज वो भी आप पे डिपेंडेंट है, और सही फैसले कर सकें ज़िंदगी के बारे में. तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैंने डिवोर्स की एग्जाम्पल यूज़ की, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पीपल हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स और डिवोर्सेज के बारे में, जो लोग मुझसे पूछते हैं कैसे डील किया जाए. तो थेरेपी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें मेंटल और फिजिकल इलनेस से. क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर बहुत अरसे स्ट्रेस में रहेगी और उसको डील नहीं करेगी, मैनेज नहीं करेगी, बिकॉज ये आपकी बॉडी का आपके ऊपर हक है, आपके दिमाग का आपके ऊपर हक है कि आप उसको स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करें, रिलैक्सेशन में जाएं और ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको सुकून मिले. क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में आपका जो दिमाग है वो जो है भूल जाता है कि उसने रिलैक्स करना कैसे है. एंड दैट इज़ द फाउंडेशन, उसी जो है क्या कहते हैं बेस से शुरू होती है, जड़ है वो किसी भी मेंटल इलनेस के शुरू होने की, अलॉन्ग विद जैसे कि मैंने सिम्टम्स पिछले वीडियो में शेयर किए थे कि उसमें जेनेटिक्स भी आ सकते हैं, उसमें आपकी इन्वायरमेंट आ सकती है, आपको सपोर्ट कितनी है, वो ये सब चीज़ें आ सकती हैं. क्योंकि हम किसी का जो है दर्द उसके लिए सह नहीं सकते और हम उसको उसमें से निकाल भी नहीं सकते, लेकिन द लीस्ट वी कैन डू, सबसे जो कम कर सकते हैं कि उस इंसान को ये एहसास हो कि वो इस दर्द में अकेला नहीं है, वो इस जंग में अकेला नहीं है, उसके पास सपोर्ट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इनको जहन में रख के अगर फॉर इंस्टेंस के जो है पानी सर से ऊँचा हो चुका है और मेंटल इलनेस डायग्नोज हो चुकी है, तो अब क्या किया जाए. तो फिर हम उसको जो है क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स और दवाइयों और डिफरेंट मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं. और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप जो है एक फिर भी एक रिलेटिवली बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम ऐसा मत समझें, ऐसा मत सोचें, और अगेन अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट हेल्दी मेंटल स्टेट, कि एक हेल्दी दिमाग क्या होता है और मेंटल इलनेस जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम हैपनिंग. ऐसी टॉक्सिसिटी, ऐसे इन्वायरमेंट अपने घरों में ना बनाएं जिसकी वजह से लोगों का जहनी सुकून ख़राब हो और वो जो है ना चाहते हुए भी जो है जहनी बीमारियों का शिकार हो जाएं. तो ये तो थी आज की एपिसोड. आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट एंड डू वॉच एंड शेयर एंड you know, subscribe to my channel and stay tuned. And अब होगा ये कि आगे और topics आते रहेंगे. और thank you so much for watching this one. And until next time, keep doing what matters and try to live a happy life, because we all deserve it. Allah Hafiz.